हम बातें करेंगे दिल से आपके दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों जस्ट इमेजिन, जरा सोचिए कि भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की वाली ट्रैफिक में अपने साथ टिफिन बॉक्स लेकर चलने के बोझ से अगर आपको मुक्ति मिल जाए और साथ ही ठीक लंच टाइम पे ऑफिस में ही घर का बना हुआ ताजा और जायकेदार खाना भी मिल जाए तो कितना अच्छा हो। मुंबई शहर के अति व्यस्त एक्सट्रीमली बिजी लोगों की जिंदगी को थोड़ा सुकून देने में यहाँ के डिब्बा वालों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों लंच टाइम पे ऑफिस में ही घर का स्वादिष्ट खाना मिल जाए, लोगों की इसी ख्वाहिश के मद्देनजर 1890 यानी 1890 में कुछ आम मेहनतकश लोगों ने मिलकर कामकाजी व्यक्तियों के घरों से खाने का डिब्बा लेकर उनके ऑफिस तक पहुंचाने का काम शुरू किया। करीबन 125 साल पहले मुंबई के डिब्बा वालों के नाम से मशहूर इस संस्था की कार्य पद्धति और सफलता की कहानी भी कुछ कम रोचक नहीं है। आज हम मुंबई के डिब्बा वालों के बारे में बात करेंगे क्योंकि उन्हें कहा जाता है मुंबई की लाइफलाइन डिब्बा वाले। सलाह जानते हैं क्या है? एक सवाल का ऐसा जवाब जो हम पहले से ही जानते हैं पर हमें लगता है कि हम नहीं जानते हैं। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों मुंबई में लोग सुबह बहुत जल्दी अपने काम पे निकल जाते हैं, उस समय उनके लिए अपने साथ टिफिन ले जाना मुमकिन नहीं होता। यहाँ की लोकल ट्रेनों में सुबह और शाम के समय इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि व्यक्ति के लिए ट्रेन में चढ़ पाना भी बहुत मुश्किल होता है। ऐसी हालत में टिफिन का डिब्बा साथ लेकर चलना तो मुमकिन ही नहीं है। हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं खाने का डिब्बा हाथ से छूट न जाए। मुंबई के डिब्बा वाले उन्हें इस मुश्किल से राहत दिलाते हैं और उन्हें उनके ऑफिस पे घर का ताजा और स्वादिष्ट खाना अवेलेबल करवाते हैं। इनकी वजह से खाने वाले तो खुश रहते ही हैं, साथ ही हाउसवाइफ्स को भी इस चिंता से मुक्ति मिल जाती है कि घर का बना खाना कहीं दोपहर तक खराब तो नहीं हो गया होगा। आज पति टिफिन ले जाना भूल गए तो कैंटीन में पता नहीं कैसा खाना मिलेगा, पता नहीं खाना खाया भी होगा या नहीं मिला होगा। चाहे बारिश आए या तूफान, मुंबई के डिब्बा वाले हर हालत में अपने ग्राहकों को सालों से सही समय पे घर का खाना पहुंचाते आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि डिब्बा वाले हैं मुंबई की लाइफलाइन। सलाह देने के बावजूद सुखी रहने का मंत्र यह है कि आप किसी को सलाह देने के बाद पूरी तरह निश्चिंत हो जाएं। इस बात से कोई मतलब न रखें कि लेने वाले ने उसे माना भी या नहीं, और मनवाने की कोशिश तो कभी करें ही नहीं। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों मुंबई डिब्बा वाला संस्था के अध्यक्ष रघुनाथ मेदगे का कहना है कि उनकी संस्था नूतन टिफिन कंपनी का आरंभ हुआ था 1890 में, यानी उस वक्त मुंबई शहर का तेजी से विकास हो रहा था। काम पर जाने वाले लोग जब सुबह घर से निकलते थे तब घर पे उतनी जल्दी टिफिन तैयार करने में गृहिणियों को असुविधा होती थी क्योंकि उस जमाने में एलपीजी गैस, मिक्सर, ब्लेंडर, प्रेशर कुकर, फ्रिज जैसे रसोई के कामों को आसान बनाने वाले उपकरण मौजूद नहीं थे। अंगीठी पे खाना बनाने में काफी समय लग जाता था, मजबूरी में लोगों को दोपहर का भोजन बाहर करना पड़ता था। इसी असुविधा को दूर करने के लिए रघुनाथ के मामा महादेव हावजी बच्चे ने सिर्फ 100 ग्राहकों को डिब्बा पहुंचाने की सुविधा देकर इस सर्विस की, इस सेवा की शुरुआत की थी। उनके बाद रघुनाथ के पिताजी डी आर मेदगे ने इस संस्था का काम आगे बढ़ाया। उनके पिताजी 25 वर्षों तक नूतन टिफिन कंपनी के अध्यक्ष थे। 1980 में उनके निधन के बाद रघुनाथ मेदगे इस संस्था का कामकाज देख रहे हैं। वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे और हार्बर रेलवे पे उनके 5000 डिब्बा वाले कार्यरत हैं जो दिन भर में 2,00,000 मुंबई वासियों को उनके घर से ऑफिस तक डिब्बे पहुंचाते हैं। लंच टाइम के बाद टिफिन बॉक्स को ऑफिस से इकट्ठा करके वापस घर तक पहुंचाते हैं। वो सिर्फ
गवर्नमेंट हॉलीडेज और संडे के दिन छुट्टी पे होते हैं। पूरे मुंबई शहर के अलग अलग 6 क्षेत्रों में उनके ऑफिस हैं, दादर, ग्रैंड रोड, अंधेरी, मुलुंड, चेंबूर और घाटकोपर। यानी एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड इनका नेटवर्क है ना। बड़ा दिलचस्प इनका काम दोस्तों, क्योंकि तभी तो इनको कहते हैं ना कि ये डिब्बा वाले हैं मुंबई की लाइफ लाइन। जो सलाह मांगते हैं कभी उस पर अमल नहीं करते, फिर भी कोई सलाह चाहता है तो हम मना नहीं कर पाते, क्योंकि इस तरह हमारा अपना नजरिया साफ हो जाता है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, मुंबई की लाइफ लाइन है डिब्बा वाले। लोगों के घरों से खाने का डिब्बा इकट्ठा करके उन्हें उनके ऑफिस तक पहुंचाने की इनकी कार्य पद्धति वेल ऑर्गेनाइज्ड है। बहुत जबरदस्त सिस्टम है ये। मुंबई के सारे डिब्बे वाले वारकरी समुदाय के हैं, जिनकी बोलचाल की भाषा मराठी है। सफेद कुर्ता पजामा, गले में रुद्राक्ष की माला, सर पे गांधी टोपी और पैरों में कोल्हापुरी चप्पल, इसी लिबास में सभी डिब्बा वाले नजर आते हैं। इनका ये ट्रेडिशनल पारंपरिक लिबास दरअसल अनऑफिशियल, अघोषित, अनौपचारिक यूनिफॉर्म बन गया है। विट्ठल भगवान में आस्था रखने वाले इन सीधे सादे कर्मठ लोगों के बारे में जानकर आपको आश्चर्य होगा। ज्यादातर डिब्बा वाले मात्र साक्षर होते हैं और ये सिर्फ अपनी मातृभाषा मराठी में थोड़ा बहुत पढ़ लिख सकते हैं। फिर भी ये अपनी नेकी, ईमानदारी और कामकाज के बहुत ही अच्छे तरीके से सभी को अचंभित कर देते हैं। बहुत ही नेक दिल, बहुत ही ईमानदार और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड। ये है इन लोगों की खासियत। इनकी आस्था है विठल भगवान में, इन सीधे साधे कर्मठ लोगों की। बहुत बेहतरीन मिसाल है ये मैनेजमेंट की। इसके बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे। कहते हैं कि ऐसे लोगों के बीच जी पाना बहुत मुश्किल है जिन्हें आप प्यार करते हो और उन्हें सलाह देने से बचना पड़े। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। हम बातें कर रहे हैं दिल से, दिल की गहराइयों से। दोस्तों, जरा इमेजिन करिए कि भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की वाली ट्रैफिक में अपने साथ टिफिन बॉक्स लेकर चलने के बोझ से अगर आपको मुक्ति मिल जाए और साथ ही ठीक लंच टाइम पे ऑफिस में ही घर का बना ताजा और स्वादिष्ट खाना भी मिल जाए तो कितना बेहतर हो। मुंबई शहर के बेहद बिजी लोगों की जिंदगी को थोड़ा सुकून देने में यहाँ के डिब्बा वालों का बड़ा ही अहम योगदान है। लंच टाइम पे ऑफिस में ही घर का स्वादिष्ट खाना मिल जाए, लोगों की इसी ख्वाहिश के मद्देनजर 1890 में कुछ आम मेहनतकश लोगों ने मिलकर कामकाजी व्यक्तियों के घरों से खाने का डिब्बा लेकर उनके ऑफिस तक पहुंचाने का काम शुरू किया। मुंबई के डिब्बा वालों के नाम से मशहूर इस संस्था की कार्य पद्धति और सफलता की कहानी भी कुछ कम रोचक नहीं है। तभी तो इनको कहते हैं मुंबई की लाइफलाइन डिब्बा वाले। इन पे बहुत सारी बातें करनी है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील, और हम बातें कर रहे हैं दिल से। दोस्तों, मुंबई की लाइफलाइन है डिब्बा वाले। लोगों के घरों से खाने का डिब्बा इकट्ठा करके उन्हें उनके ऑफिस तक पहुंचाने का इनका जो वर्क सिस्टम है वो बेहद वेल ऑर्गेनाइज्ड है। मुंबई के सारे डिब्बे वाले वारकरी समुदाय के हैं, जिनकी बोलचाल की भाषा मराठी है। सफेद कुर्ता पायजामा, गले में रुद्राक्ष की माला, सर पे गांधी टोपी और पैरों में कोल्हापुरी चप्पल, इसी लिबास में सभी डिब्बा वाले नजर आते हैं और लगता है कि यही शायद इनका यूनिफॉर्म है। हालांकि इनका कोई औपचारिक या ऑफिशियल यूनिफॉर्म नहीं है। विठल भगवान में आस्था रखने वाले इन सीधे साधे लोगों के बारे में जानकर आपको आश्चर्य होगा। ज्यादातर डिब्बा वाले मात्र साक्षर होते हैं और ये सिर्फ अपनी मातृभाषा मराठी में थोड़ा बहुत पढ़ लिख सकते हैं। फिर भी ये अपनी नेकी, ईमानदारी और कामकाज के बहुत अच्छे तरीके से सभी को अचंभित कर देते हैं। ये अपना काम कितनी निष्ठा से करते हैं इसका अंदाजा इस छोटे से प्रसंग से लगाया जा सकता है कि जब प्रिंस चार्ल्स ने इन लोगों से मिलने की इच्छा जाहिर की तो इन लोगों ने उन्हें दोपहर के बाद भीड़ भरे
चर्च गेट स्टेशन पर मिलने का समय दिया ताकि इससे डिब्बा पहुंचाने के काम में किसी तरह की देर न हो। मुंबई के ये डिब्बा वाले दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट गुरु के नाम से मशहूर हो चुके हैं और इन पे बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री फिल्में तक बनाई हैं। इनका काम एक अजूबा है, अपने आप में एक बहुत बड़ा आदर्श है। इन पे बहुत सारी बातें करनी है। हम बातें कर रहे हैं तहे दिल से, आपके दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, इंग्लैंड के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स जब हिंदुस्तान आए थे तब वो मुंबई के डिब्बा वालों की योजनाबद्ध कार्यशैली से इतने इंप्रेस्ड हुए कि उन्होंने अपने देश में मैनेजमेंट का पाठ पढ़ाने के लिए उन्हें इनवाइट किया। इतना ही नहीं, उन्हें क्वीन एलिजाबेथ की ओर से प्रिंस की शादी में भी सादर इनवाइट किया गया। इस रॉयल शादी में शरीक होने वाले देश विदेश के 1500 मेहमानों में मुंबई के सीधे साधे डिब्बा वालों को आमंत्रित किया जाना उनके लिए वाकई गर्व की बात थी। उसी बारे में और बहुत सी बातें करनी है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, इंग्लैंड के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स जब हिंदुस्तान आए थे तो वो मुंबई के डिब्बा वालों की योजनाबद्ध कार्यशैली से इतने इंप्रेस्ड हुए कि उन्होंने अपने देश में मैनेजमेंट सिखाने के लिए उन्हें इन्वाइट किया। इतना ही नहीं, उन्हें क्वीन एलिजाबेथ की ओर से प्रिंस की शादी में भी सादर आमंत्रित किया गया। इस रॉयल शादी में शरीक होने वाले देश विदेश के 1500 मेहमानों में मुंबई के सीधे साधे डिब्बा वालों को आमंत्रित किया जाना उनके लिए वाकई फख्र की बात थी। उस अविस्मरणीय प्रसंग को याद करते हुए रघुनाथ भावुक होते हैं। उन्हीं के लफ्जों में वो कहते हैं, 8 अप्रैल 2005 को कैमिला पार्कर से प्रिंस चार्ल्स की शादी थी। हमें भी आमंत्रित किया गया था। हमारी महीने की आमदनी केवल 5,000 रुपए होती है। इतने पैसे में हम आम लोग रानी साहिबा के लिए क्या तोहफा ले जाएं? हमारी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन लोगों के बीच हमारी इतनी अच्छी साख बन गई थी कि जब उन्हें यह खबर मिली कि हम प्रिंस की शादी में जा रहे हैं तो हमारी मदद में कई लोगों और संस्थाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। किसी ने प्रिंस को भेंट करने के लिए पगड़ी दी तो किसी ने रानी के लिए शालू दिया, शालू यानी कीमती मराठी साड़ी। फिर हमने मिठाइयां खरीदी और उनसे मिलने चल पड़े। इंग्लैंड पहुंचने के बाद शाही अंदाज में हमारी आवभगत की गई। क्योंकि हमें अंग्रेजी नहीं आती थी इसलिए जयपुर घराने की महारानी पद्मिनी देवी हमारे साथ दुभाषिये की ट्रांसलेटर की भूमिका निभा रही थी और प्रिंस चार्ल्स को उन्होंने हमारी कार्यशैली के बारे में विस्तार से बताया। ये अनुभव डिब्बा वालों के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग था, बड़े फख्र की बात थी उनके लिए और बहुत ही अविस्मरणीय प्रसंग था इनके लिए। दोस्तों, इनके बारे में बहुत सारी बातें करनी है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील और हम बातें कर रहे हैं दिल से। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुंबई की लाइफलाइन की, मुंबई के डिब्बा वालों की जो वक्त के पाबंद हैं। हर दिन मुंबई वासियों को 2,00,000 टिफिन पहुंचाते हैं। महज 5,000 डिब्बा वाले, वो भी नाम मात्र के पैसे लेकर। महीने के सिर्फ 250 से 300 रुपए लेकर डिब्बा वाले अपनी सेवा उपलब्ध करवाते हैं। यह भी एक ताज्जुब की बात है कि पिछले 150 वर्षों से चलने वाली ये सेवा आज भी कभी भी रुकी नहीं है, बाधित नहीं हुई है। चाहे बारिश हो या तूफान, इनकी सेवा में कभी कोई कमी नहीं होती। ये अपना डिब्बा हमेशा लंच टाइम से थोड़ी देर पहले पहुंचा देते हैं। खाने के डिब्बे लोकल ट्रेनों से डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए ये ट्रेन से उतरने के बाद साइकिल या हाथगाड़ी का इस्तेमाल वर्षों से करते आ रहे हैं। लेकिन मुंबई की इतनी भीड़, इतनी भारी ट्रैफिक के बावजूद इनके काम में कभी देर नहीं होती। ये हमेशा पंक्चुअल होते हैं, हमेशा वक्त के पाबंद होते हैं। आपका लंच बॉक्स आपके ऑफिस में आपके लंच टाइम से पहले डेफिनेटली पहुंचा देते हैं। ये इनका आपसे अनकहा वादा होता है। ये है मैनेजमेंट के गुरु, मुंबई की लाइफलाइन डिब्बा वाले। इनकी कदर करिए, इन्हें अप्रिशिएट करिए। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज
सुशील गजवानी, हम बातें कर रहे हैं दिल से, दिल की गहराइयों से। दोस्तों, मुंबई की लाइफ लाइन है डिब्बा वाले, और उनमें टीम भावना, टीम स्पिरिट बहुत मजबूत है। मुंबई के डिब्बा वालों की कार्यशैली भी अनूठी है। यहाँ के सारे कामकाज में बहुत मजबूत टीम भावना देखने को मिलती है। डिब्बा पहुंचाने से जो पैसा मिलता है उसे उस रूट के डिब्बा वाले आपस में बांट लेते हैं, और अपनी इनकम का कुछ हिस्सा हर महीने संस्था को ट्रस्ट चलाने के लिए देते हैं। वारकरी समुदाय के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी निस्वार्थ भाव से ये काम किए जा रहे हैं। ना नफा ना नुकसान के उसूल पे काम करने वाले इन लोगों ने महाराष्ट्र के प्रमुख तीर्थ स्थलों पे तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशालाएं बनवाने का काम किया है। त्योहारों के दिन इनकी ओर से वहां अन्नदान भी किया जाता है। मुंबई की लाइफलाइन डिब्बा वाले, वक्त के पाबंद, जबरदस्त टीम स्पिरिट, निस्वार्थ, बिल्कुल समाज सेवा में अपने आप को ये पिरो देते हैं। ये हैं महान लोग, अपने आप में बहुत सीधे साधे लेकिन महान भावना रखने वाले ये लोग। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, मुंबई की लाइफ लाइन है डिब्बा वाले, डिब्बा वाले जो वक्त के पाबंद हैं, इनमें मजबूत टीम भावना है और इनमें सच्चाई और ईमानदारी की बहुत बड़ी खासियत है। कम पढ़े लिखे इंसान को आज की तेज रफ्तार जिंदगी में इतना सम्मान मिलना कुछ नामुमकिन सा लगता है। इस विषय में इस संस्था के अध्यक्ष रघुनाथ कहते हैं, हमारी संस्था सच्चाई और ईमानदारी की बुनियाद पर टिकी है। यहाँ का कामकाज बहुत तेज रफ्तार से होता है। किसी भी बात को लेकर अगर हमारे सहयोगियों के बीच कोई विवाद होता है तो उसका हल हम एक दिन के अंदर ही ढूंढ लेते हैं। हमारे बीच टीम भावना बहुत अच्छी है। हमारे काम करने वाले लोग पढ़े लिखे नहीं है लेकिन उनकी याददाश्त बहुत तेज है। डिब्बे की पहचान बनाने के लिए सांकेतिक ढंग से उनपे कुछ निशान अंकित किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे बैंक ऑफ बड़ौदा चर्च के ब्रांच में डिब्बा ले जाने के लिए वे उस पे पहले लिखेंगे बीबी यानी उस बैंक का नाम, और आगे सी यानी चर्च गेट, फिर डी कोडिंग में फ्लोर, व्यक्ति का नाम और घर का पता भी लिखा जाता है, जिसे हमारे अल्प साक्षर सहयोगी देखते ही पहचान लेते हैं। अपनी साइकिल या हाथ गाड़ी में डिब्बे रखने का इनका क्रम भी उसी तरह बहुत ही वेल प्लान्ड होता है कि जिस व्यक्ति का ऑफिस रास्ते में पहले आता है उसका डिब्बा आगे, और दूरी के अनुसार उनके डिब्बे बिल्कुल सही ढंग से रखे जाते हैं। घर वापस भेजने के लिए ऑफिस से डिब्बे इकट्ठे करते समय भी यही प्रोसेस अपनाया जाता है। यानी डिब्बा वालों का काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। तभी तो उनको बुलाया जाता है बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूल्स में कि आप ये कैसे मैनेज कर रहे हैं, इतने सालों से, 125-150 सालों से आप ये काम कर रहे हैं और कभी कहीं उनकी गलती नहीं होती। तूफान हो, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी, ये डिब्बे वक्त पे पहुंचा देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बड़े गर्व की बात है। दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, मुंबई की लाइफ लाइन है डिब्बा वाले, मुंबई की लाइफ लाइन डिब्बा वाले यानी वक्त के पाबंद, मजबूत टीम भावना यानी डिब्बा वाले मुंबई के डिब्बा वाले यानी निस्वार्थ सेवा, मुंबई के डिब्बा वाले यानी सच्चाई और ईमानदारी की पूंजी। लंच टाइम पे ऑफिस में ही घर का स्वादिष्ट खाना मिल जाए, लोगों की इसी ख्वाहिश के मद्देनजर 1890 में यानी 1890 में कुछ आम मेहनतकश लोगों ने मिलकर कामकाजी व्यक्तियों के घरों से खाने का डिब्बा लेकर उनके ऑफिस तक पहुंचाने का काम शुरू किया। मुंबई के डिब्बा वालों के नाम से मशहूर इस संस्था की कार्य पद्धति और सफलता की कहानी भी कुछ कम रोचक नहीं है, जैसे आपने सुना। दोस्तों, विश्व के कई ग्लोबल इंस्टीट्यूट मुंबई के डिब्बा वालों की कड़ी मेहनत और वेल प्लान्ड कार्यशैली से इम्प्रेस्ड होकर उन्हें मैनेजमेंट के गुर सिखाने के लिए इनवाइट करते हैं। इसी सिलसिले में रघुनाथ अपने सहयोगियों के साथ इटली, केनिया
और नाइजीरिया के अलावा कई देशों की यात्रा कर चुके हैं, इंग्लैंड भी जा चुके हैं। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है और अन्नपूर्णा देवो भव को अपना आदर्श सूत्र वाक्य मानकर उसका पालन करने वाले मुंबई के डिब्बा वालों को इसलिए मुंबई की लाइफलाइन माना जाता है। मुंबई की लाइफलाइन ये डिब्बा वाले हमारे लिए एक गर्व की बात है, फख्र की बात है। आज बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूल्स उनसे मैनेजमेंट सीखते हैं। इन डिब्बा वालों को सलाम करते हुए, उनको सैल्यूट करते हुए मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी आपसे इजाजत चाहता हूं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर।